हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह। आज हम लोग बात करेंगे कि पेशाब बार बार क्यों होता है, रात में कई बार उठना पड़ता है और पेशाब बूंद बूंद में क्यों होता है। ये अक्सर हाँ, जो 40 के ऊपर के लोग हैं ऐसे लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और पर्टिकुलर मेल में ये प्रॉब्लम होता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली पेशाब के जो रास्ता है इसके पास एक ग्लैंड लगा होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हमारे यूरिनरी ब्लैडर उसके नेक के पास पेशाब के जो रास्ता होता है यूरेथ्रा। आप यहाँ पर एक पिक्चर के जरिए आप देख रहे हैं कि जो हमारे ब्लैडर्स है और हमारे पेशाब के जो रास्ता यूरेथ्रा है, ये दोनों के जंक्शन पर एक ग्लैंड्स लगा हुआ है जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जब कभी बड़ा हो जाता है, ये यूजुअली मेल में बहुत ही कॉमन है ये कि 40 से 50 के बीच में लोगों को ये अफेक्ट करता है या फिर इससे ऊपर वाले लोगों में ये अफेक्ट करता है। 50% लोग इससे बीमारी से सफ़र करते हैं और जो 90% जो 80 से ऊपर के लोग हैं उसमें 90% लोग सफ़र करते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर से आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जो बात हमने कहा कि ब्लैडर और यूरेथ्रा के जो जंक्शन है वहाँ पर लगा होता है, या कहें कि ब्लैडर के नेक के पास लगा होता है। तो ये एक ग्लैंड्स है और जब ये ग्लैंड्स अपने साइज में बड़ा होता है तब ये यूरेथ्रा पर दबाव डालता है जिसके कारण कि जो हमारा ब्लैडर है वो कंप्लीट रूप से खाली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशाब जल्दी जल्दी लगता है। पेशाब के लिए कई बार रात में उठना पड़ता है और फाइनली हम लोग देखते हैं कि पेशाब बूंद बूंद में भी होने लगता है। तो ये सभी इसके प्रॉब्लम है प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या हाइपरट्रॉफिक के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में इसको BPH कहते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण ही पेशाब में जो दिक्कत है ये आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड वॉलनट जैसे, जो हम लोग अखरोट कहते हैं उसी के जैसा ये रहता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या उपयोगिता है मेल लोगों में, अगर मेल में है तो क्या इसकी उपयोगिता है, सबसे ये जरूरी बात है जानना कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों है, क्या हम लोग पहले भी इसको निकलवा सकते हैं? तो नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक अहम भूमिका निभाता है, एक फ्लूइड को डिस्चार्ज करता है जो सीमेन का हिस्सा होता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड फर्टिलिटी के लिए जो फ्लूइड्स है मेल फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट्स है। तो ये बढ़ता है हर एज में, धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है, लेकिन 40 के बाद कुछ लोगों में 50-60 के बीच में 50% लोगों को ये ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने साइज से एबनॉर्मल हो गया जिसके कारण यूरेथ्रा पर दबाव पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहा कि प्रोस्टेट ग्लैंड होना बहुत ही ज़रूरी है मेल फर्टिलिटी के लिए। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड ना हो तो ये फर्टिलिटी का जो समस्या है ये आ जाएगा, इसलिए कि सीमेन में बहुत सारे अपना ये इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। आपको विशेष जानकारी अगर इसके बारे में हो तो हमने इनफर्टिलिटी की जो वीडियो बनाया है आप उसमें देख सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर क्या अपना रोल प्ले करता है। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो अपना फ्लूइड्स का हिस्सा इसमें निकालता है और वही सभी मिलकर के एक सीमेन का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो समस्या है जिसके कारण हमारे पेशाब में प्रॉब्लम हो रहा है ये क्यों होता है। तो एग्जैक्टली हम लोग बात करें कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो ये समस्या है, अननोन रीजंस हैं जिसके वजह से होता है ये। अगर हम लोग देखें तो कुछ कारण हैं जिसके वजह से, ऐसे तो कारण बहुत पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन कुछ कारण हैं। तो कारण कहा कि एज फैक्टर है सबसे, मोर देन 40, अगर 40 ईयर्स से हैं अधिक तो आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकता है। दूसरा कहा कि ओबेसिटी के कारण, अगर बहुत अधिक मोटापा है तो हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आप डायबिटीज़ हैं तो हो सकता है। चौथा कारण ये हो सकता है कि आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं तो हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके वजह से होने की संभावनाएं हैं। और ओल्डर लोगों में हमने अभी फिर से कहा ये बात कि जो एज रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, एज 40 के बाद है, तो ऐसे लोगों में होने, हमने कहा कि 50% लोग सफ़र करते हैं और 80 से जो पार करते हैं उसमें 90 लोग सफ़र करते हैं।
तो ये मेल का एक ऑर्गन्स है, एक पार्ट है जो एक एज के साथ ये अपना इसके साइज में बदलाव आता है, इसलिए तो हम लोग इसका नाम दी है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के नाम से जानते हैं इसको। अब बात करते हैं कि अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो कौन कौन सी समस्या पेशेंट को होने लगता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, कैसे वो रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला है कि इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशंस, बार बार पेशाब, अधिक पेशाब होने लगता है बार बार कुछ कुछ देर पर, मतलब कि अगर नंबर्स ऑफ यूरिनेशन कहे तो 10-15 बार दिन में हो सकता है, रात मिला करके हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यूरिन की अर्जेंसी होती है, लगता है कि बहुत तेज पेशाब लगा है और जब गए तो बूंद बूंद की तरह हो रहा है। नेक्स्ट जो सिम्टम है, इनके यूरिन के एक्सट्रीम पुअर होते हैं, जो धार से पेशाब का होना चाहिए वो धार से नहीं होता है, बस गए और धीरे 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 हो रहा है, कोई धार ही नहीं है, जिसको कहते हैं पुअर एक्सट्रीम। नेक्स्ट है इंटरप्टेड स्ट्रीम, इंटरप्टेड यूरिन स्ट्रीम, मतलब कि धार से आया फिर थोड़ा सा रुक गया, फिर धार से आया फिर रुक गया, ये टूट टूट कर हो रहा है। लेकिन यूजुअली यूरिन कैसा होता है कि जब आया तो धार में निकल गया पूरी तरह से, तो ये धार की कमी हो जाती है, इंटरप्टेड टूट टूट कर आ रहा है। नेक्स्ट जो है कि पेशाब करने के बाद वो बूंद बूंद चूता है, या फिर जब पेशाब अधिक लगा हुआ होगा उस समय जाएंगे तो बूंद बूंद होगा, और बहुत देर तक बैठे रहेंगे तब फिर धीरे धीरे जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से जो यूरिथ्रा पर दबाव डाले हुए जिसके कारण पेशाब बूंद बूंद होने लगता है, और धीरे धीरे जब बहुत देर बैठे रहते हैं तो आपका ब्लैडर रिलैक्स करता है, तब उधर से फिर पेशाब आता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है ये है यूरिन रिटेंशन, कभी कभी इतना अधिक दबाव हो जाता है कि आपका यूरिन पास आउट होगा ही नहीं, यूरिन ब्लैडर के अंदर सीज कर लिया जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड के दबाव के कारण, और आपको यूरिन रिटेंशन हो जाएगा। ये कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है जिसके कारण कि कैथेटराइजेशन करना पड़ता है, कैथेटर लगाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि दर्द भी होता है, ये कभी कभी यूरिन पास करने के साथ साथ दर्द भी होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये होता है। अब ये बात करते हैं कि अगर किसी को पेशाब की ये प्रॉब्लम है कि बार बार पेशाब हो रहा है, जल्दी जल्दी पेशाब हो रहा है, रात में कई बार उठना पड़ रहा है और पेशाब बूंद बूंद से हो रहा है, तो क्या जांच कराएं? तो इसमें जांच करने की जो बातें हैं, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि एज रिलेटेड अगर हैं, आपकी उम्र 40 से अबव है, 50-60 ये सभी उम्र में हैं, तो सबसे पहला ये है कि आपको USG कराना चाहिए, जिसमें प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड यूरिन होना चाहिए, कि जब आप प्रोस्टेट चेक किया जा रहा है तो पहले कितना था यूरिन और फिर पेशाब करने के बाद आपका यूरिन कितना बचता है, क्या कोई सिग्निफिकेंट यूरिन कलेक्शन ब्लैडर में रह जाता है, तो ये आप पता कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यूएसजी में प्रोस्टेट के साइज को भी दिया जाएगा कि ये साइज इनका बढ़ा हुआ है, अधिक है, जिसमें 20 ग्राम 25 ग्राम 35 ग्राम 40 ग्राम इस तरह से जो भी है, लोग यूएसजी करने के बाद ये बताते हैं कि इतना आपका प्रोस्टेट का साइज है। तो एक तो ये है यूएसजी के जरिए माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा माध्यम है ब्लड टेस्ट की, जिसमें कि PSA करा सकते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तब इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आपका प्रोस्टेट जो नॉर्मल वैल्यू है उससे अधिक है, इसका मतलब प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स हैं। बहुत अधिक बढ़ना प्रोस्टेट के कैंसर की तरफ इंडिकेशन करता है, तो ये अगर लगता है कि जो नॉर्मल वैल्यू उससे 2-4-10-5 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि आपके बेनाइन की तरफ नेचर है, मतलब प्रोस्टेट आपका बढ़ा हुआ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है यूरोफ्लोमेट्री, जो धार के टेस्ट करता है, आपके ब्लैडर से धार कितनी तेजी से निकलता है, नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है, इसका वो मेजरमेंट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है यूरिन एनालिसिस करना चाहिए, यूरिन का एनालिसिस से ये पता चलेगा क्या
ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपके यूरिन में इन्फेक्शन के कारण ब्लैडर में भी इन्फेक्शन होता है जिसके वजह से दर्द हो रहा हो, यूटीआई का जो हम लोग प्रॉब्लम मानते हैं कि कभी कभी लोगों में यूटीआई, इसलिए यूरिन एनालिसिस करना चाहिए, उसके अंदर फर्स्ट सेल देखना चाहिए कि क्या कोई इन्फेक्शन के कारण तो नहीं हो रहा है या फिर प्रोस्टेट के कारण हो रहा है। कभी कभी इन्फेक्शन के कारण भी फ्रिक्वेंसी बढ़ सकता है, यूरिन बार बार आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकता है, पेशाब के रास्ते में दर्द हो सकता है, ये सारी समस्याएं आ सकती है, तो इसीलिए हम लोग यूरिन का भी एनालिसिस कराते हैं। और अगर लगता है कि प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स है तो फिर हम लोग इसकी बायोप्सी कराते हैं, प्रोस्टेट की बायोप्सी जो यूरोलॉजिस्ट के जरिए परफॉर्म किया जाता है, वो लोग निकाल के छोटे से मांस को देते हैं कि आखिर ये प्रोस्टेट किस तरह के हैं, अगर कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये कभी कभी प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा भी होता है, तो इसको रूल आउट करने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रोस्टेट का ऑपरेशन या प्रोस्टेट का इलाज नहीं करवाया जाए तो क्या हो सकता। अगर आप प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और प्रोस्टेट के अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं। एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है, यूरिन का रिटेंशन हो जाएगा, अचानक रात में आपकी पेशाब बंद हो गई, अब रात में आप परेशान हैं, तो ये पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा कहा कि इन्फेक्शन हो जाएगा, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगे और इसके वजह से धीरे धीरे एसेंडिंग मतलब कि आपके ब्लैडर से फिर यूरेटर की तरफ जाएगा, किडनी को इन्फेक्ट कर सकता है ये। ब्लैडर डैमेज हो सकते हैं, आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं, ये सारी समस्या ये कॉम्प्लिकेशन है जो प्रोस्टेट के लोगों को हो सकता है। रही बात है कि मैनेजमेंट क्या करे, तो मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है कि पहले इस बात का कंफर्मेशन करें कि आपको प्रॉब्लम किसके कारण है, क्या यूटीआई के प्रॉब्लम से है या प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लगता है कि यूटीआई के प्रॉब्लम्स है या फिर प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपके आसपास में जो यूरोलॉजिस्ट हैं या फिर कोई और भी जो डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियन हैं, आप उनसे सलाह लें, उनसे बात करें और फिर इसके बारे में पूरी जानकारी लें कि आपके जो प्रॉब्लम है वो प्रोस्टेट के कारण है या फिर यूरिन के इन्फेक्शन के कारण ये सभी हो रहा है। मुझे आशा है कि आप लोगों को प्रोस्टेट के बारे में जो जानकारी दी गई है आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।